सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ चुके हैं एमटीवी शिमला में, दिखाते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, राइडर्स का क्या सीन है और क्या उनके प्लानिंग्स हैं। चलो एंजॉय करें। तो यहाँ पे देखो सारी बाइक्स जो हैं वहाँ पे लगी पड़ी हैं। ट्रैक की दोनों बाइक्स यहाँ पे है, एंड देन वी हैव मोर ट्रैक बाइक्स। मरीन की बाइक्स यहाँ पे है हमारे पास, काफ़ी कम नज़र आती है। बॉबकैट ट्रेल फोकस की बाइक्स भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाइड है। देन वी हैव हियर स्कॉट एंड पॉलीगन भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन में आई हुई है। हे व्हाट्स अप एंड लेट्स चेक और कौन कौन सी बाइक्स यहाँ पे रेस में है, आप लोगों को दिखाते हैं। सो वी हैव मेरिडा, आई थिंक बिग 9500, नाइस। वी हैव सम कैनन्डेल, स्कॉट, बी ट्विन, ट्रिक। वी ऑल्सो हैव फायरफॉक्स, क्या बात है, फायरफॉक्स का फोल्डी कौन राइड कर रहा है? अच्छा, टायर चेंज करवाना है इसका, एक्सल चेंज करवाना है इसका। ओह, तो तीन बाइक की एक बाइक बना। रैले, ट्रिक, टीम मरीन। We have a Polygon Xstrada here. Then we have UTH. इनके हीरो के पहले की साइकिल हुआ करते थे, अब तो खत्म हो चुकी है। Then we have a Focus full suspension here. Check this out. Octane Albatross, UTH. And there is the last one. कौन सी है ये? पता नहीं, कुछ लिखा नहीं है। What's your name? Rogan Azarika. I'm from Assam. Oh, very good. Which bike are you riding? I'm Marine Bobcat Trail 3. अच्छा, that one is yours? The blue color one is mine. So nice. He is riding the Marine Bobcat, जिसको हमने पहले कैप्चर किया था। Good to see you here, yaar. Good to see you. Same and me also. चलो, we'll see you on the race day. Yeah, sure. मजा आएगा। So let's go towards the rider and see. So what's your name? Hello guys, my name is Amandeep Singh Dyal and I'm here in Shimla. I'm participating in MTB Shimla 10th edition. In under 23 category, and here you can see my bike. So let's check out Amandeep's Team Marine 1. So Amandeep, batao sara specifications apne bike ka. Actually it's an cross country mountain bike, 29er. Okay. Yes, it's a Team Marine 1. Mm-hmm. With RockShox Judy boost silver, then with wide handlebars which is 780 mm. 780. Then come to the drivetrain. Yep. It's a 1x12 drivetrain. Okay. I have upgraded my ranks with Shimano XT. Upgraded my bottom bracket and chain ring is which one? Gabrook? Yes, it's a Gabrook. Yes, 32T oval. Nice. Oval, nice. Chainring and then chain. Gold chain. Yes, gold chain is in KMC. Very good. 12 speed. And we have the Shimano Dior 1x12. Yes, also pedals. Nice. Some grippy pedals for MDH trail riding. Also, I have done tubeless to this bicycle. Okay. Alpha wheel sets. You are using the alpha wheel sets? No. It's an aluminium, but I have put the stickers. Oh, very good. I have put the stickers. But I'm having a tubeless setup. Okay. Then you can see a most famous tire, the Racing Ray. Yeah, Shualbe. Yes. Very good. So, it's all about this. Are you ready for this race? Of course, yes. Nice. तो यहाँ पे राइड से पहले यज्ञ होता है और यज्ञ में सारे राइडर्स बैठते हैं और ये हर साल का ही एक हमारा ट्रेडिशन है जो MTB शिमला में फॉलो किया जाता है एंड MTB हिमालय में भी फॉलो किया जाता है। सो अभी वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। चलो सब लोग यहाँ पे आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं, सो हम भी ट्राई करते हैं। कितने बजे हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये सॉफ्टी, 10 रुपये में मिलने वाली, 50 रुपये की, बट कोई नहीं, इसका भी मज़ा है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आयुष नेगी फ्रॉम देहरादून। आयुष नेगी, कैसा है एक्सपीरियंस अभी तक के रेस का? अभी तक तो अच्छा है, बट आई एम पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी। पहली बार आए हो? या, लेट्स सी, आई होप इट विल बी अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। या, मजा डेफिनेटली आएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेट्स सी। तो अभी वन बाय वन सारे राइडर्स देर में इकट्ठे हो रहे हैं। कम हेड। ओ यार, ये
वीडियो में जरूर डालना चैनल पे। ये लो आ गए सामने, ये देखो, ब्रो अल्कोहल, मैंने बोला पानी हटा दो, अल्कोहल ही डाल दिया, अल्कोहल ही डाल दिया। आई आई वी हैव द यंगेस्ट राइडर टुडे विद अस, टू बॉयज फ्रॉम शिमला हु आर 11 इयर्स ओल्ड। वी बीन ट्राइंग टू डू गेट मोर एंड मोर यंग पीपल इनटू द स्पोर्ट ऑफ साइकिलिंग एंड माउंटेन बाइकिंग इन पर्टिकुलर। शिमला हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन, वी हैव 25 चिल्ड्रन फ्रॉम शिमला। वी हैव अ न्यू रूट दिस ईयर, वी हैव अ न्यू फॉर्मेट दिस ईयर। द फॉर्मेट इज गाइज गुड मॉर्निंग। सो आज है सेकंड डे ऑफ एमटीबी शिमला। सो आज बेसिकली फर्स्ट डे है रेस का, जहां से रेस स्टार्ट होने वाली है। सो एमटीबी शिमला में आई मेट ब्यूटीफुल वुमेन राइडर्स हियर, सो चलो उनसे पहले उनका नाम लेते हैं। व्हाट्स योर नेम? रूपाली। रूपाली। श्वेता। श्वेता। आकांक्षा। आकांक्षा। अनामिका। अनामिका। सो ऑल दीज गाइज आर राइडिंग दिस एमटीबी शिमला। सो हाउ यू फीलिंग फॉर दिस रेस? Super excited. Super excited. What about you? First time I am TV and I am really happy to do this. Very great. And I'm sure it's gonna be a thrilling experience for me. Absolutely. Yeah. God, I'm so happy. Waiting for this last So all the best to all four of you guys. Thank I you. Hope you guys ride well. What's your name? Aarti Purjapur. Aarti. So Aarti bhi hamare paas yahan pe hai. Another female rider. So all five of you, best of luck. Thank ride you. Ride safe and enjoy. Yay. Ricky sir, ready? Hello sir, what's your name? Hi, I'm Krishna Swami. Krishna Swami sir. Chennai. Best of luck. Kya hal hai Rahul? Bahut badhiya sir. Ready for the race? Yes. Excited. Ready for the race? Oh, yes sir. Are you ready for the race? Are kisi ke room mein na paade. Rider jano ready? Yeah, ready. Great. And beginning tak jaane ke liye ride ho chuke hai start. All riders are ready to race. Best of luck. Thank you. Best of luck. Best of luck, best of luck, all of you, best of luck. तो मशोबरा के पास हम लोग आए हैं, ऑलमोस्ट 2018 के बाद मैं दोबारा इस लोकेशन पे आया हूँ। एंड आई कैन रिलीव दैट मोमेंट जब यहाँ पे 2018 का एमटीबी शिमला वाला जो रेस हुआ था ना, दैट वॉज अमेजिंग। अभी यहाँ पे मैं हूँ, हमारे साथ पूजा मैम है एंड विवेक, अनीश एंड साइरस, हम पांच लोग अभी यहाँ पर हैं हमारी टीम। एंड वी आर वेटिंग फॉर द राइडर्स, जैसे ही वो आते हैं एक एक कवर करेंगे। मशोबरा के यहाँ पे क्लाइम में ऐसे ऐसे क्लाइम्स है ना, लोग बस अच्छे तरीके से पूरा अपना जोर जान से लगा के क्लाइम कर रहे हैं। ये देखो एक राइडर हमारे सामने आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोग आ गए? ऑलमोस्ट 5-7। कितने टाइम है? 10 मिनट्स। तो देखा ना आपने कैसे सारे हाँफ रहे हैं, देखने में आसान लगता है बट आसान है नहीं। क्लाइंबिंग में तो आपको पता ही है भाई साहब, फट के हाथ में आ जाती है। सो दिस इज़ द फीडिंग स्टेशन। And what all we have here is the rolls hain, we have chocolates, cakes, fruity, yahan pe hamare paas hydration, nutrition, ORS, banana, cake, biscuits and egg and water. So feed station mein almost everything is available for the riders so that they can fuel up and continue their ride, because aage crazy climbs hai, already crazy climbs ye log karke aa chuke hain. और आज का पूरा दिन सिर्फ क्लाइम ही क्लाइम है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ से अभी है काफी दूबे रास्ते में गिरे हो, लेना कहाँ है? इसी रास्ते में नहीं केला यार, इससे कुछ नहीं होता, आगे से मत फेंका करो, ये भ्रम है। बस थोड़ा सा और है। फिल रिफिल, यू वॉन्ट एनीथिंग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यू नीड एनीथिंग? कम कम कम, फ्रूटी 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 एंड
फ्रूटी एंड बनाना। कहाँ जाना? नीचे। ऊपर ऊपर ऊपर। सो फीडिंग स्टेशन पे नॉट ओनली राइडर्स, वी आर ऑल्सो फीडिंग दीज क्यूटीज। इनको भी भूख लगी है यार। हाउ इज द एक्सपीरियंस सो फार? किलर क्लाइंब्स ना, एब्सोल्युटली। बहुत गंदी क्लाइंब है, बहुत गंदी। रिफिल करना बोतल दे दो, रिफिल करना होगा प्लीज। बहुत अच्छा इधर। भाई मैं जितना आगे बहुत बड़ी बात है वो, और ऊपर से टॉप 10। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक? मजा आ गया, अलग लेवल रहा। क्लाइंब वाज किलिंग। मर गया भाई मैं क्लाइंब कर करके आज। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार? कैसा था? बताने लायक नहीं है। बताने लायक नहीं। बहुत अच्छा था। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। बहुत हार्ड ट्रेल थी, बहुत हार्ड ट्रेल थी। ऐसी ट्रेल्स उत्तराखंड में, मैं देहरादून में रहता हूँ तो ऐसी ट्रेल्स कहीं नहीं, कहीं नहीं है ना। मेरे को मिले थे ना, उसके 5 मिनट्स बाद क्रैम्प हुआ मेरे को। मैं बताऊँ, मैं ऐसे चीख मारी है ना जोर से, ऐसे करके हुआ मेरे तो, मतलब मैं डेड हो गया लगभग वहाँ 20 मिनट। लेग लॉक और बस इसे करे जाऊँ। अभी कैसा लग रहा है? सेकंड पोजीशन है ओवरऑल, नहीं अपना कैटेगरी ओपन। दैट्स द स्पिरिट। सो रिकी सर, यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग अ लॉट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे? Always great to come out here and race on these Shimla trails. A lot of climb. Unfortunately, for Delhi flatlanders, it is too much climb. Too much climb. Absolutely. So, how's the experience so far? बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा रहा? बस climb ही climb। Climb ने पूरा ले लिया ना? कोई cramps वगैरह पैरों में, कोई चोट वोट कुछ तो नहीं लगा? Down में गिर गया था। ओहो, यहाँ पे। और बाकी क्रैम भी आए, क्योंकि एक ही पानी की बोतल थी, वो मेरी गलती थी। अच्छा, बाकी कल ध्यान रखेंगे दो पानी की बोतल। अच्छा, तुम्हारा पानी का बोतल एक ही था आज। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का आपका? सब इतना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। क्लाइंब में कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आप सीरियसली, मतलब क्या बोलूं मैं, बिना गियरों के चढ़ा देते हैं आप। अमेजिंग हो सर, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग हो आप, मोटिवेशन हो आप। कैसा रहा राहुल? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लाइंब तो बहुत ही गंदे थे, पर खतरनाक वाले, खतरनाक वाले थे। एक पॉइंट तो ऐसे लगा था कि भाई अब नहीं हो पाएगा। और जयपुर में तो ऐसे क्लाइंब मिलते भी नहीं, 10% ही नहीं जयपुर में। पर यहाँ बिल्कुल खतरनाक। एक पॉइंट ऐसा है ना, आगे कोई ना पीछे कोई, समझ भी नहीं आ रहा कि रूट भी यही है, जाना है नहीं जाना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ब्लैंक हो गए थे एक बार तो, पर फिर लगा कि नहीं कंप्लीट तो करनी कैसे भी करके। और अभी बाकी राइडर्स कहाँ हैं? सात वाले कोई भी नहीं पता कहाँ हैं। अभी कोई एक एक घंटा पीछे चल रहा है अभी तो सब। बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था भाई। लास्ट में तो हालत खराब हो गई। हाँ। कैसा लगा ये? अच्छा था, मजा आया। क्लाइंब में क्या हालत हुई? क्लाइंब में तो पैदल ही चल रहा, और कभी कभार क्लाइंब भी कर रहे थे। मजा तो आया, मजा आया। थकान लग रही है बहुत ज्यादा? कुछ ज्यादा ही लग रही है। अभी यहाँ पहाड़ों में नकले लगी है ठंड, और हमने लगा ली है आग। वो तो बेचारा धुएं में पूरा बैठा हुआ है। फट गया हम लोग आज, फट गया आज। आज हम लोग का एक्सीडेंट होते होते बचे हम लोग, और हम लोग लाइक डाउनहिल था उस पॉइंट में, हम लोग गंदा बचे हैं। गिरते 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 गाड़ी गाड़ी में ठोकते थे, गाड़ी में ठोकते थे। आगे से गाड़ी आ रहा है एंड उसको देख रहे हैं वॉलंटियर की, उस साइड से गाड़ी आ, उस साइड से राइडर आ रहे हैं, फिर भी वो गाड़ी को नहीं रुकाया। बोलना चाहिए शाम को होगा। ये आगे था, उसके बाद पीछे और था, उसका पीछे मैं था। पहले ये ठोकता, उसका वो ठोकता, उसका हम लोग ठोकते, और मार्किंग्स भी ऑलमोस्ट हट गया था। हर बार कंफ्यूजन हो जाती है।
मार्किंग का हम लोग का बहुत कंफ्यूजन हुआ। एक बंदा नीचे से आया, मैं भी उसके साथ ही चढ़ पड़ा था, पर मेरे को बाद में बोल दिया पहले घूम के आना है। तो आई हैव राज विद मी एट द मोमेंट। राज ने कल यस्टरडे रेस में पार्टिसिपेट किया था। ओवरऑल जो राज का एक्सपीरियंस है अभी तक, वी वुड लाइक टू नो कि कैसा रहा उसका। सो राज, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ। सो गोइंग इन द रूट वाज सुपर नाइस, प्लस द क्लाइम्स वर वेरी नाइस, प्लस दे वर वेरी स्टीप, द डाउनहिल सेक्शन वाज वेरी गुड। ओवरऑल द रेस रूट वाज एपिक एंड इट वाज ए बिट टफ especially for me as a roadie. Apart from that, like the feeding stations were good, they were at the right place, but one issue was that regarding the markings and volunteering, so we had a bit issue and confusion while taking the turns and all. Apart from that, the race was nice, the people are super good and they are very helping. Plus a issue today, like we need to leave the hotel a bit early today, so let's see how it goes and I hope that next year it will be more good. Have joy with me. सो जॉय, कल तुमने यस्टरडे पार्टिसिपेट किया रेस में, आई वुड लाइक टू नो योर एंटायर एक्सपीरियंस, क्या चीजें इशू फेस किया पूरे दिन में? फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट चैलेंज वाज क्लाइंबिंग। ओके, तो यूजुअली इन असम भी हम लोग को ऐसा क्लाइंब्स नहीं मिलते। ओके, और इधर में क्लाइंब्स इट वाज अ नेक्स्ट लेवल क्लाइंब, तो एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया और इसमें मुझे पता भी चल गया कितना मुझे अभी प्रैक्टिस करना है। एंड अगर प्रॉब्लम्स फेस किया हूँ तो मेनली एरोस, एरोस मतलब मार्किंग, उन सब में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हाँ। और कुछ कुछ पॉइंट्स में हम लोग को वॉलंटियर्स नहीं मिला, जिस पॉइंट में होना चाहिए उस पॉइंट में मिला। एंड लाइक अगर हम लोग वॉलंटियर्स को पूछते हैं कि कितना किलोमीटर है, लोग बोलते हैं सिर्फ चलते जाओ चलते जाओ। अगर स्टे का बात किया जाए, द स्टे इज गुड, बट एक ही प्रॉब्लम है, सपोज आज रेस खत्म हो रहा है इन 23rd को, आज भी एक स्टे होना चाहिए था। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो बाहर से आ रहे, तो वो लोग को अभी एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा मनी। जो एक्सीएम राइडर्स है उन लोग को एक्सीएम रेस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो तो पूरा मैराथन टाइप का होता है, एंड्योरेंस राइड। सो वी हैव रितिका विद अस टुडे एंड रितिका इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। सो रितिका, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक इस रेस में कैसा रहा प्लीज? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रेस में मैंने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया है एमटीवी रेस में। ओके, तो चैलेंजेस जितने भी हैं मेरे लिए नए हैं और बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं सारे चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस अभी तक आपने फेस किया? सारे ट्रेल्स नए थे मेरे लिए, हर एंड में मतलब वो था, सरप्राइज था मेरे लिए कि ओ अच्छा अभी है, ओके है। बीच में कल की जो राइड थी, एक बार डॉग अटैक भी ऑलमोस्ट हो गया था, तो क्रैश हो गया था। ओके, तो पर भी देन आल्सो आई कंप्लीटेड द रेस एंड गॉट थर्ड पोजीशन। वाओ, दैट्स वेरी गुड। सो आर यू फ्रॉम शिमला या फिर आप बाहर से? नो, आई एम फ्रॉम देहरादून। यू आर फ्रॉम देहरादून, सो डू यू ट्रेन योरसेल्फ? आप ट्रेनिंग करते हो, खुद से चलाते हो? राइट। सो वट डू यू वॉन्ट टू से टू ऑल दी गर्ल्स जो फ्यूचर में ऐसे स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं या पार्टिसिपेट करना चाहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंस वाइल राइडिंग, यू हैव टू अपने पे कॉन्फिडेंस और बैलेंस दैट आप कर लो। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आपको डाउट आ गया तो वहीं से फॉल सबसे पहले। That's amazing. So thank you so much, Ritika. I hope you have a wonderful day today. And अच्छे से। One more thing. Yeah. एक आइडल देख लो। एक आइडल देख लो। Do follow it. Absolutely. Yeah. So thank you so much, Ritika. Thanks a lot. So I have Anamika now with me, who's ready for the race. So Anamika, आपका yesterday का experience and the overall experience of this race कैसा रहा अभी तक? It was first time और overall experience बहुत अच्छा है अभी तक का। अब next year आएंगे तो हम और अच्छे से ready होकर आएंगे, हमें थोड़ा idea हो गया है, तो hope so हम next year बहुत अच्छा करें। और अभी तक आज देखते हैं, हमारा second day है, आज कैसा जाता है। सब लोगों ने बोला है बहुत ही tough है कल से भी। Okay. Let's see how it goes. कल का challenge आपके लिए क्या था सबसे बड़ा? लॉन्ग पैचेज ऑफ एलिवेशन क्लाइम्स, लाइक 3-4 किलोमीटर और हमने सब वॉक करके किए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। यू आर फ्रॉम जयपुर? गुड़गांव। सो ऑब्वियसली गुड़गांव में तो हमको इतने ज्यादा एलिवेशन नहीं मिलता, ऑप्शन ही नहीं, प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। राइट राइट, हमें यहीं आना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। राइट, एनी अदर चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग द रेस और मे बी आफ्टर द रेस और मे बी अभी? नहीं नहीं, यहां से जाओ ओवर रेस हमें इतने क्रैम्प्स आए नाइट में, हम यूज्ड टू नहीं है, बिकॉज़ इस वेदर की यूज्ड टू नहीं है, इतना टेरेन हमने कभी फेस ही नहीं किया है, तो इट्स लाइक टोटल डिफरेंट सिचुएशन, टोटल डिफरेंट पिक्चर फॉर अस, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें यहीं आना होगा। आपका नाम? महेश्वर दत्त। महेश्वर दत्त जी, आपकी एज? 65 प्लस। 65 प्लस, यस सर। आप एमटीवी शिमला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? Yes, sir.
आपने कल रेस किया, कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके? बहुत नाइस था, सुपर। कैसे कैसे चैलेंजेस आए आपके लिए? चैलेंजेस तो काफी थे, लेकिन पर आपने उसको पूरा कर लिया। बिल्कुल। और मैंने देखा आपने बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया, सबसे ज्यादा जोश में आप ही हो, कल भी थे और आज भी। तो आप जैसे लोग हमारे इस स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल मोटिवेशन हो। थैंक यू सो मच, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। Shit. First crash of the day. Very easy. Second crash of the day. Go. Rider! Go. नीचे चल चल रुबे चल 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो गाइज एज यू कैन सी जो क्लाइम्स है ना काफ़ी टफ है यहाँ पे। सो इट्स लाइक जो लूप इन्होंने बना रखा है वो वहाँ से पहले पूरा माउंटेन्स में नीचे जा रहा है, देन नीचे से होते हुए पूरा ऐसे ऊपर आ रहा है। सो जस्ट इमेजिन आपका एनर्जी ऐसे क्लाइम करते हुए ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो वी हैव वन राइडर जिसका पूरा चेन ही टूट गया। चेन लिंक से टूटा या किससे? पूरा लिंक से इसका। ओहो शिट, क्रैश हो गया। शिट। आर यू ओके? कुछ लगाना है उस पे हाथ पे? फक मैन। सो ये पूरा ट्रैक प्रीव्यू ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वॉक करते करते कि कहाँ से पूरा जो ट्रैक है वो जा रहा है। मोस्टली क्लाइम्स इन्होंने पूरा रखा है, मैक्सिमम क्लाइम ही क्लाइम है। दिस इज़ द सिंगल ट्रैक सेक्शन जहाँ से पूरे राइडर्स आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रैशेज आगे राइडर्स के हो रहे हैं, सो वी आर गोइंग देयर टू सी व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स दीज राइडर्स आर फेसिंग। आफ्टर ऑल क्रॉस कंट्री ओलंपिक ट्रैक बनाया गया है यहाँ पे पूरा, एंड यू गाइज कैन चेक आउट द एंटायर सेक्शन। एनर्जी पूरा लॉस हो ही जाता है क्लाइम के वजह से। ये सेक्शन है देखो, ये डाउन हिल आए, टर्न एंड देन ऑल द वे, फिर दोबारा क्लाइम। Rider!
लेट गया थोड़ा जल्दी लेट गया मेरे ना बोल रही थी कि तो कराची में गिरा था मैं पत्थर फंस गया बहुत जोर से गिरा है।